गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंका जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। प्यारी सत्संगत जी, जैसे हम लाइट जलाते हैं ना तो अंधेरा गायब हो जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारे मन का जो अंधेरा है, हमारे मन में जो अज्ञान है, जो भ्रम भ्रांतियां हैं, जो अंधविश्वास है, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सब गायब हो जाते हैं। सदगुरु हमें इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि हर जगह परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब परमात्मा है। आज सारा संसार ब्रह्म में है। सहंसा बाबा अवतार सिंह महाराज जी में समझाते हैं, एक ना बोला दो ना बोले, बोले सभी जाते हैं, नामी की पहचान नहीं नाम की रट लगाते हैं, मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांति की गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा, जिसने सूरज चांद बनाए उसको दीप दिखाता है, सर्व सुगंधी के दाता के आगे जा जा धूप जलाता है, कर्म कांड की अंधियारे में बिल्कुल अंधा खाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो कुल जग का दाता है, अनंत अपार हरि को देखो सीमाओं में लाता है, प्रभु मिलन के चाव में देखो खुद ही धोखा खाता है, वायु में है महल बनाते और सपनों की नींवों पर, कहे अवतार दया कर स्वामी इस जग के सब जीवों पर। तो यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि एक इंसान नहीं बोला, दो नहीं बोला, कि सभी भूले जाते हैं परमात्मा को और भ्रम में फंसे जाते हैं। जब परमात्मा को हम भूलेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे ना, तो हमारे जीवन में भ्रम ही भ्रम है। आज देखते हैं कि पूरा भ्रम भ्रांतियां चारों तरफ देखने को मिलती हैं, कि नामी की पहचान नहीं है, परमात्मा को हम जानते नहीं और नाम की रट लगाते हैं। हम देखते हैं कि लोग राम राम अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड कहते हैं, लेकिन उस गॉड को जानते नहीं है, राम को जानते नहीं है, परमात्मा को जानते नहीं। तो सदगुरु हमें परमात्मा की पहचान कराते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि पहले जानो, परमात्मा को जान लो, फिर मानो और फिर इसकी भक्ति करो। जब इसको जानकर भक्ति करोगे ना, तब जाकर भक्ति होती है। परमात्मा को बिना जाने हम कितना भी नाम रट लगाएं तो फिर वो भक्ति नहीं होती है। तो सद्गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, परमात्मा की पहचान कराते हैं। अगर किसी इंसान का हम नाम लें, उसको हम जाने ना, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर हम उस इंसान को जानते हैं, हमारी जान पहचान हो गई है, और फिर उस इंसान का हम नाम पुकारते हैं ना, तो फिर वो इंसान हमारे पास आता है। लेकिन हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं, हम किसी का भी नाम लें तो फिर वो मतलब नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, जब हम जान लेते हैं कि परमात्मा हमारे सामने है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, जमी जमा के बीच में समस्त एक ज्योत है, न घाट है न वाद है, न घाट वाद होता है, कि हर जगह परमात्मा है, परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान कब होता है? जब ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का नाश। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांति की गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। आज हम देखते हैं कि इंसान अपना दिमाग को लगा के कोई भी पेंटिंग, कोई भी तस्वीर, कोई भी मूर्ति बना देता है। तो शहंशाह जी कहते हैं कि सबका मालिक एक ही है, ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है, परमात्मा कोई 10, 20, 2, 4 नहीं है, ईश्वर एक है, इसके रूप अनेक है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये जो मन है, मन के भ्रम को सदगुरु ही सही करते हैं, मन की जो ये उल्टी चाल है ना, उसको सदगुरु सीधी करते हैं ज्ञान दे करके। जिसने सूरज चांद बनाए दीप उसे दिखलाता है, सर सुगंधी के दाता के आगे जा जा धूप जलाता है। जिसने सूरज चांद बनाया है उसको इंसान दीपक दिखाता है। अब जरा ये सोचने की बात है कि जो सूरज जो पूरे संसार में रोशनी दे रहा है उसको हम दीपक क्या दिखाएंगे, जिसने फूलों में खुशबू दी है उसका हम धूप क्या जलाएंगे। तो ये जो सारा है सिस्टम, ये भ्रम का सिस्टम है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो फिर इंसान ये भ्रम से बाहर आता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक आदमी ये भ्रम में ही अटका रहता है, कर्म कांड की अंधियारे में बिल्कुल अंधा खाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो कुल जग का दाता है। जो सारे संसार को दे रहा है, सबको पाल रहा है, उसे हम भोग लगाते हैं। तो आज दुनिया कर्म कांड में उलझी है। सदगुरु हमें कर्म योग में लेकर आते हैं, परमात्मा का ज्ञान देकर हमें कर्म योगी बनाते हैं। अनंत अपार हरि को देखो सीमाओं में लाता है,
प्रभु मिलन के चाव में देखो खुद ही धोखा खाता है कि जो अनंत है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। तो इस अनंत को सीमाओं में लाता है कि खुदा केवल सातवें आसमान में है, या खुदा कहीं सीमित जगह पे है, केवल पहाड़ के ऊपर ही है, या किसी मंदिर में ही है, केवल मस्जिद में ही है, गिरजाघर में ही है, गुरुद्वारा में ही है। तो इंसान ने अपने अलग अलग भगवान बना दिए और एक सीमा में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बना दिया। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी कहते हैं कि वो खुदा हरगिज हो नहीं सकता जो इधर तो है और उधर नहीं है। ऐ इंसान, खुदा पर्दे में नहीं है, पर्दे में तुम हो, और इतना बड़ा पर्दा हरगिज बन नहीं सकता जो खुदा को ढक ले। परमात्मा सर्वव्यापी हर जगह है। अगर परमात्मा को हम जान जाते हैं, अपने मन में परमात्मा को बसा लेते हैं, तो हमारा मन ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बन जाता है। तो जिसका मन साफ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपच्छल छुद्ध न भावा। तो अगर मन साफ है तो ये मक्का मदीना काशी काबा है। मन मक्का दिल द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तांबे ज्योत पहचान। कि मन ही मक्का मदीना काशी काबा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा है। लेकिन मन में अगर परमात्मा बस जाए तो परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद ये मन पवित्र होता है, ताकतवर बन जाता है, मन विशाल बनता है, विराट बनता है। मन में अच्छे अच्छे गुण आते हैं, मन की सोच विचार सुंदर हो जाती है। प्रभु मिलन के चाव में देखो खुद ही धोखा खाता है, वायु में है महल बनाते और सपनों की नींवों पर, कहे अवतार दया कर स्वामी इस जग के सब जीवों पर। कि आदमी ख्याली पुलाव पकाता है, हवा में महल बनाता है, परमात्मा की चाह में यहाँ वहाँ भटक रहा है, खोज रहा है, जंगल में समाधि कर रहा है, योग लगा रहा है, तो इन सबसे धोखा ही है। योग, समाधि, जप, तप, व्रत, ये सब धोखा है, खुद के साथ धोखा है। जब तक सदगुरु मिलते नहीं है तब तक ये भ्रम से हमें निजात नहीं मिलता। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक भ्रम जाते नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। तो यहाँ पर शहनशाह जी कहते हैं कि दातार दया करो, कृपा करो इस जग के सारे जीवों पर कि ये सारे भ्रम में उलझे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, जब तक हम सदगुरु के पास आते नहीं हैं तब तक ये बात समझ में आती नहीं है। इसीलिए हमें समझाया जाता है कि मन वीणा के तार पे बंधे, गीत गुरु के गाए जा, सुख पाएगा गुरु चरणों से, नित नित प्रीत लगाए जा, गुरु ही कारा सिद्ध करेगा, चलता चल तू गुरु सहारे, गुरु के भैया बन जाए तो लग जाती है नाव किनारे। शिष्य गुरु को अर्पण करना तुझको जब आ जाएगा, जन्म मरण से मुक्ति पाके अजर अमर पद पाएगा, गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कौन भला उपकारी है, गुरु है रखा गुरु सहारा, गुरु तेरा हितकारी है, गुरु से बेमुख कभी न होना अंतकाल पछताएगा, कहे हृदय गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। तो हमें गुरु की शरण में आना पड़ेगा, गुरु की महिमा गानी पड़ेगी, गुरु के चरणों में तन मन धन को निछावर करना पड़ेगा, तब जाकर निरंकार मिलता है। जब तक हम सदगुरु के पास आते नहीं हैं, संतों का साथ करते नहीं, तब तक हमें ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है। गुरु की कृपा से परमात्मा हमें मिलता है। जो गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु में डूबे रहते हैं ना, उनको निरंकार मिलता है, उनके सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। जो दिन रात इनके मन में ज्ञान की लौ जलती है, ब्रह्म ज्ञान की लौ जलती रहती है, जो दिन रात इस निरंकार में डूबे रहते हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो ज्ञान की ज्योति, ये ब्रह्म ज्योति उनके मन में प्रज्वलित होती रहती है और वो हमेशा निरंकार में ही रहते हैं। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। तो गुरु की मस्ती में डूबना पड़ेगा। गुरु की मस्ती क्या है? ये निरंकार। निरंकार के नशे में रहना पड़ेगा हर पल, 24 आवर्स। जो इस निरंकार के नशे में रहता है, निरंकार के रंग में रंगा रहता है, वो सारे भ्रम भ्रांतियों से दूर हो जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।